बच्चों आज हम सोशल साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माई स्कूल माई स्कूल मतलब मेरा स्कूल द नेम ऑफ माई स्कूल इज टैगोर कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल काला पीपल मेरे स्कूल का नाम टैगोर कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल काला पीपल है आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म मैं मेरे स्कूल में यूनिफॉर्म स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती हूँ एंड गो टू स्कूल एवरी डे और रोज स्कूल जाती हूँ माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी भी मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग है वह बहुत बड़ी है देयर वी स्टडी एंड लर्न गुड हैबिट्स हम वहाँ स्टडी करते हैं और अच्छी आदतें सीखते हैं स्टडी मेक्स अवर लाइफ एंड फ्यूचर ब्राइट स्टडी हमारी लाइफ को बना बनाती है और फ्यूचर को ब्राइट करती है लेट मी टेल यू अबाउट माई स्कूल चलो मैं आपको मेरे स्कूल के बारे में बताती हूँ असेंबली हॉल असेंबली हॉल मतलब उसको बोलते हैं असेंबली हॉल जहाँ प्रेयर होती है माय स्कूल है ए लार्ज बिल्डिंग मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग है वह बहुत बड़ी है वी हैव ए बिग असेंबली हॉल एक हमारा हमारे स्कूल में एक असेंबली हॉल है वेयर ऑल द चिल्ड्रन टेदर टू प्रे इन द मॉर्निंग जहाँ बच्चे एक साथ मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं माई क्लास रूम मेरी क्लास आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ती हूँ माई क्लास रूम इज ब्राइट एंड एयरी मेरा क्लास मेरी जो क्लास है वह ब्राइट है और हवादार है हेयर वी सिट ऑन आवर बेंचेस हम वहाँ पे बेंचेस पे बैठते हैं एंड आवर टी टीचर टीचर और हमारे जो टीचर हैं हमें पढ़ाते हैं प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड मतलब खेल का मैदान जहाँ हम खेलते हैं आवर स्कूल हैज ए विग प्ले ग्राउंड हमारे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है वी प्ले मैनी गेम्स हम वहाँ कई गेम खेलते हैं देयर आर स्विंग्स हम वहाँ झूलते हैं एंड स्लाइड्स आल्सो इन द प्ले ग्राउंड और जो प्ले ग्राउंड में रूसल पट्टी लगी रहती है उस पर हम खिस सकते भी हैं अवर स्पोर्ट टीचर हेल्प अस टू प्ले मैनी गेम्स हमारे जो स्पोर्ट टीचर हैं हमें कई गेम खिलाने में हमारी मदद करते हैं लाइब्रेरी लाइब्रेरी स्कूल में होती है जहाँ बुकें मिलती हैं अबर स्कूल है जे बिक लाइब्रेरी हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है देयर आर मैनी गुड बुक बुक्स इन इट इसमें कई अच्छी किताबें हैं वी कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी हम लाइब्रेरी में साइलेंस रहते हैं चिचाप रहते हैं द लाइब्रेरियन गिव्स अस स्टोरी बुक टू रीड जो लाइब्रेरियन रे, लाइब्रेरियन रहता है वो हमें अच्छी किताबें देता अच्छी स्टोरी बुक देता है पढ़ने के लिए प्रिंसिपल रूम प्रिंसिपल रूम उसे बोलते हैं जहाँ प्रिंसिपल बैठते हैं अवर प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो स्कूल के हेड होते हैं अवर प्रिंसिपल सिट्स इन हिज रूम हमारे प्रिंसिपल उनके रूम में बैठते हैं इट इज़ बेल फर्नीस्ट उनके जो फर्नीचर है वह बहुत अच्छा है अबर स्कूल प्रिंसिपल कंट्रोल हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे स्कूल को कंट्रोल करते हैं द होल एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल और अदर जो एक्टिविटी होती हैं वो स्कूल में करवाते हैं स्टाफ रूम स्टाफ रूम में जहाँ टीचर बैठते हैं उसको बोलते हैं स्टाफ रूम देयर इज ए बिग स्टाफ रूम ऑफ आवर स्कूल हमारे स्कूल में एक बड़ा स्टाफ रूम है इट हैज ए लार्ज टेबल उसमें एक बड़ी टेबल है एंड मैनी चेयर्स और कई कुर्सियाँ हैं टीचर्स सिट हेयर इन देयर स्पेयर टाइम एंड डू देयर नेसेसरी वर्क वहाँ टीचर फ्री टाइम में बैठते हैं और अपना जो काम होता है वह काम करते हैं कंप्यूटर लैब कंप्यूटर लैब मतलब जहाँ कंप्यूटर की क्लास लगती है द कंप्यूटर लैब हैज मैनी कंप्यूटर्स हमारी कंप्यूटर लैब में कई कंप्यूटर्स हैं आई एम लर्निंग टू यूज कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब हम कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं इन फायर मेरी इन फायर मेरी मतलब जहाँ स्कूल में एक रूम होता है वह इन फायरी होती है जहाँ नर्स बैठती है ए नर्स सिट इन ए स्मॉल इन फायर मेरी रूम एक नर्स होती है वो इन फायरी रूम में बैठती है इफ़ एनी स्टूडेंट गेट्स सिक ड्यूरिंग स्कूल जो स्कूल में बीमार हो जाते हैं कई स्टूडेंट बीमार हो जाते हैं वह ही और सी इज गिवन मेडिसिन हेयर वहाँ उनको दवाइयाँ मिलती हैं कैंटीन कैंटीन मतलब जहाँ खाना मिलता है इन लंच ब्रेक वी टेक आवर मील हम हमारे जो लंच होता है लंच में हम क्या करते हैं भोजन करते हैं देअर इज ए कैंटीन इन अवर स्कूल हमारे स्कूल में एक कैंटीन है वियर वी कैन बाई ई टेबल हम जहाँ से हम खाने की चीज़ें खरीदते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक किसे कहते हैं जहाँ एडमिशन होता है और जहाँ फीस जमा करते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अबर स्कूल हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारे स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है क्लर्क क्लर्क वहाँ बैठते हैं एंड वर्क हेयर और कई काम करते हैं काम करते हैं माई फादर डिपॉजिट्स माई फीस मेरे फादर फीस जमा करते हैं हेयर एट द फी काउंटर काउं यहाँ काउंटर पे मेरे पापा फ़ीस जमा करते हैं अब आप बच्चों आपको घर पर यह चैप्टर पढ़ना है